नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। एडमिशन ओपन एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज सीबीएसई पैटर्न एजुकेशन, साथ ही एसआरएस एच कॉलेज और एसआरएस आईजीआई में आज ही एडमिशन कराएं। पता है गाजीपुर रौनाबाद आजमगढ़, मोबाइल नंबर 8573919379। उत्तर प्रदेश में चल रही सिपाही भर्ती को लेकर ताज नगरी आगरा में भी पुलिस में भर्ती होने के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन भी पुलिस भर्ती परीक्षा दी। सिपाही भर्ती की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा देने के बाद घर लौटने के लिए वाहन नहीं मिल पा रहे हैं और इस भीषण गर्मी का उन्हें सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं आगरा वासियों का कहना है कि सिपाही भर्ती ने आगरा वासियों का बुरा हाल कर दिया है। लोग अपने घर के काम के लिए निकलते हैं तो कई घंटे तक जाम का सामना करना पड़ता है। आगरा में हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एडीएम सिटी केपी सिंह का कहना था कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। एडीएम और एसीएम के साथ इलाकाई पुलिस को भी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि उन्होंने भी माना कि हजारों छात्रों की वजह से चौराहों पर जाम की स्थिति जरूर बनी हुई है, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या नाम है आपका? नमन सिंह तोमर। नमन सिंह जी, देखा जा रहा है कि दो दिन से आगरा में जाम की समस्या बहुत ही ज्यादा हो रही है। सिपाही का पेपर को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? परेशानी है कि सुबह से घर से निकले हुए हैं, एक तो जाने में दिक्कत, आने में भगवान टॉकीज से और रामबाग तक आने में कम से 1.5 घंटे का समय लग चुका है। काफी परेशानियां हो रही है इसमें, और ऊपर से देखा जा रहा है गर्मी भीषण पड़ रही है। गर्मी से तो हालत बहुत बुरा हाल हो रखा है। ऐसे में जाम जगह जगह पर जामों में परेशानियाँ हो रही है। जामों में परेशानियाँ काफ़ी सारी हो रही हैं। दिक्कतें आ रही हैं, ना कोई वर्किंग हो पा रही है। सुबह से घर से निकलो, फिर धूप में तपो और ट्रैफिक में 1-1.5 घंटा हो रहा है। 1.5 घंटे तक कहीं भी ना आवागमन नहीं हो पा रहा है कहीं पर भी। तो माना जाए काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नैमी चंद। नैमी चंद, कहाँ से आया पेपर देने के लिए? मैं आया हूँ औरैया से। औरैया से। क्या कुछ व्यवस्थाओं देखने मिली आगरा में? नहीं। पेपर टाइम से दिया आपने? हाँ, पेपर टाइम से दिया। फिर गाड़ी वाड़ी मिलने में कोई असुविधा हुई हो आपको? और क्या, गाड़ी नहीं मिल रही है, यहाँ से जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। ऑटो वाले 20 की जगह 30 मांग रहे, 50 मांग रहे हैं। किसकी परीक्षा देने आए थे आप? पुलिस की। कितने किलोमीटर है आपको यहाँ से? हमारा तो यहाँ औरैया तो बहुत किलोमीटर, मतलब 200-300 किलोमीटर पड़ता होगा लमसम। देखा जा रहा है गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, गाड़ी का ना मिलना है, परेशानियाँ हो रही हैं। क्या आदमी जाएगा तो है, जाना तो है ही किसी को, वहाँ पे घर जाएगा अपना, इसलिए तो टेम्पू वाले तो हैं, जैसे बिजली करके 10 रुपये 5 रुपये लगते हैं, वो 30 रुपये मांग रहे हैं, इसलिए कि परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। और शहर में कल 74 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, आज पुनः शहर के 74 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पाली संपादित हो चुकी है, 12 बजे का टाइम था, दूसरी पाली फिर से 2 बजे से प्रारंभ होगी। परीक्षा को लेकर पहले से भी मीटिंगें वगैरह की जा चुकी हैं और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, और पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था अति सभी स्थानों पर लगाया गया है। इसके अलावा अब की बार हाईटेक व्यवस्था की गई है, सभी के थंब के फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जा रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है कोई भी, ये सभी को बता दिया गया है, किसी भी दशा में अभ्यर्थी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति ना बैठे, तत्काल उस पर FIR हो, तो इस तरह कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। और लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी, मजिस्ट्रेट्स, पुलिस अधिकारी सारे केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज शाम की भी परीक्षा ही शांतिपूर्वक और सकुशल आगरा जनपद में सम्पन्न होगी। और अत्यधिक संख्या में छात्रों के पेपर देने के कारण शहर में जो भार बढ़ा है, जो बाहर से बच्चे आए हैं परीक्षा देने, उसको लेकर जो हमारे बस स्टैंड हैं, हमारे रेलवे स्टेशन, इनके DRM साहब को, रोडवेज के ARM साहब को, इसके अलावा पुलिस की तरफ से सारे बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, इस पर अलग से व्यवस्था की गई है। हर चौराहों पे व्यवस्था की गई है कि लोग जो पुलिस के अधिकारी हैं वहाँ पर लगे तैनात हैं, उन बच्चों की हेल्प करें, उनको प्रॉपर जाने में मदद करें। और ट्रेनों वगैरह में भी ये स्थिति ना हो कि पता चला कि जो यात्री टिकट लिए हैं उनके स्थान पर बैठे हैं, या वो अव्यवस्था उत्पन्न करें। तो समस्त प्रकार के निर्देश जारी किए जा चुके हैं, और कल हमने इसी संख्या की परीक्षा आयोजित की है, इस प्रकार की कोई भी घटना संज्ञान में नहीं आई है। तो आज भी उसी तरह की पुलिस व्यवस्था है, और हमें उम्मीद है कि आज भी हमारी सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहेंगी। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? अगर आप
आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।